नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल HP जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल में नए मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हिमाचल में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू, नाबालिग ये नियम तोड़ेंगे तो वाहन मालिक को 3 साल जेल। नाबालिग द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर अभिभावक या पेरेंट्स या जो वाहन के मालिक होंगे उनको भी दोषी माना जाएगा। उन्हें 25,000 रुपये तक जुर्माने के साथ 3 साल की सज़ा हो सकती है। दोस्तों ये राज्य सरकार ने भारत के न्यूनतम प्रावधानों को ही लागू किया है। जुर्माना न तो बढ़ाया गया है और न ही कम किया गया है। केंद्र के अनुसार जुर्माने का जो प्रावधान रहेगा वो इस तरह से है, अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो 5,000 रुपये आपको जुर्माना लगेगा, पहले जो कि 500 रुपये था। बिना पात्रता गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना, पहले जो कि 500 रुपये था। सीट बेल्ट ना लगाने पर आपको 1,000 रुपये जुर्माना होगा, जो पहले 100 रुपये था। और रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर आपको 5,000 जुर्माना लगेगा। निर्धारित से अधिक गति से मतलब ओवर स्पीड पर आपको हल्के वजन की गाड़ी चलाने पर 1,000 व मध्यम गाड़ियों पर 2,000 रुपये, पहले जो कि 400 रुपये जुर्माना लगता था। रैश ड्राइविंग करने पर आपको 5,000 जुर्माना लगेगा, जो कि पहले 1,000 रुपये था। और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा, जो कि 2,000 रुपये था। टू व्हीलर पर ओवरलोड करने पर 2,000 रुपये जुर्माना लगेगा, जो कि पहले 100 रुपये था। और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो इस पर 2,000 रुपये जुर्माना लगेगा, जो कि पहले 1,000 रुपये था। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1,000 रुपये जुर्माना, और 3 महीने के लिए आपका लाइसेंस जब्त होगा, पहले जो कि 100 रुपये जुर्माना था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।